नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और अनुराधा कुकिंग एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा की ग्रेवी वाली सब्जी। और ये सब्जी बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनकर हमारी तैयार हुई है। इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर मेरी तरीके से एक बार सब्जी बनाएंगे तो इसे आप बार बार इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे। साथ ही इसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करके खाते हैं। तो आइए मैं बनाना शुरू करती हूँ। राजमा बनाने के लिए मैंने राजमा को राजभर के लिए भिगो कर रख दिया था और इसे मैंने लगभग 4 से 5 पानी में अच्छे तरीके से धोकर मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दे रही हूँ और इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना पसंद करती हूँ और आज मैं इसलिए मिट्टी के बर्तन में ही अपने राजमा की सब्जी को बनाने वाली हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं तेल में सारी चीज़ों को मैं डाल दे रही हूँ जो मैंने सूखी चीज़ें ली हैं, जैसे कि बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का मैंने मुंह इसका मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है ताकि इसका फ्लेवर हमारी सब्जी में अच्छी तरीके से आ जाए। मैंने छोटी इलायची को भी ऐसे इसी तरीके से इसका भी मुंह मैंने खोल लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी जीरा, लौंग और दालचीनी जो मैंने रखा था इसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। एक सूखी मिर्च, दो हरी मिर्च, सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ऐसे तड़कने तक मैं इसे पका ले रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा हींग डालने वाली हूँ। हींग जब भी आपको डालना हो तो आप पहले हींग का इस्तेमाल ना करें। आप जब भी हींग डालते हो तो बाद में हींग डालें। पहले हींग डालने से हींग जम जाती है तो हींग का टेस्ट नहीं आता है और बाद में हींग डालने से हमारी सब्जी में हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज भी डाल दे रही हूँ और इसे ब्राउन होने तक इसे मैं पका लूंगी। प्याज हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें अपने अदरक और लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया है मैं इसमें इसे डाल दे रही हूँ। इसके साथ ही मैंने जो सूखे मसाले रखे थे सारे सूखे मसाले को मैं इसमें साथ में ही डाल दे रही हूँ। और जो मैंने टमाटर का प्यूरी बनाया है इसे भी मैं इसे में डाल दे रही हूँ। और सारी चीज़ों को डालकर मैं अच्छे तरीके से इसे मिला लूँगी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में इस चीज़ को बताया है कि जब आप मिट्टी के बर्तन में खाने को बना रहे हो तो आप मसाले जब इसमें डालते हैं तो एक साथ सारे मसाले डाल सकते हैं क्योंकि हमारे मिट्टी के बर्तन में मसाले बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो अगर आप एक एक करके डालेंगे तो मसाले जलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मैं अपने जब मिट्टी के बर्तन में जब बनाती हूँ तो सारे मसाले मैं एक साथ डाल देती हूँ। इससे मसाला बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दे रही हूँ और इसे कुछ देर के लिए मैं तेल छोड़ने तक इसे फ्राई कर लूँगी। जब तक हमारे मसाले फ्राई होंगे तब तक मैं यहाँ पे गर्म पानी मैंने पानी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए और इस सब्जी में मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मसाला हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, मसाले से तेल निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें मैगी मसाला मैंने इसमें नहीं डाला था, अब मैं इसमें मैगी मसाला डाल दे रही हूँ। इसके साथ ही मैंने जो मलाई रखी थी उसका भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया था तो इसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और अब मैं राजमा को इसमें डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे हमें पका लेना है। और इसमें आप मलाई का इस्तेमाल जरूर करें। मलाई के इस्तेमाल से आपकी सब्जी में एक अलग सा फ्लेवर आता है। ये अलग से ही खुशबू आपकी सब्जी 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 में एक अलग से ही खुशबू आएगी अगर आप मलाई डालते हैं तो। और इसे हमें मिला लेना है। और अब मैं इसमें गर्म पानी डाल दूंगी। मैंने पानी पहले से गर्म करके यहाँ रखा हुआ है, इसे डाल दूंगी और इसे मैं कुकर में डालकर लगभग 4 से 5 सीटी आने तक इसे मैं पका लूंगी। वैसे तो राजमा अलग अलग तरह की मार्केट में आते हैं तो हर राजमा की पकने की कुकिंग टाइम अलग होती है। तो जिस हिसाब से आपकी राजमा पकती है, जितने देर में पकती है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी सीटी हमारा लग चुका है। अब मैं कुकर का ढक्कन खोल कर देख ले रही हूँ और सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे सब्जी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी, इसकी खुशबू आ रही है। मेरे बच्चे पूछ रहे हैं मम्मा आपने क्या चीज़ की सब्जी बना रही है, पूरे घर पे मेरी खुशबू इस राजमा की खुशबू आ रही है। इस तरीके से अगर आप अपनी सब्जी बनाते हैं तो बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल ले रही हूँ और इसे धनिया की पत्ती के साथ गार्निश कर लूँगी। और इस तरीके से आप भी अपने राजमा की सब्जी को मिट्टी के बर्तन में बनाएं। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।